बोलो कुछ कुछ बोलो कुछ भी पहले आप बोल दो हाय कुछ। गाइस, ये आई है वैसे हाय पहले कुछ गाइस, ये मैं मोनालिसा मैम को देखो मिलने आई हूँ। मैम ना मेरी दीदी, सॉरी। ये मेरे पापा है, ये है देखो। अंकल, ये है पापा एंड इनका नाम है सोनाली। तुम आप लोग सब मेरे टिकटॉक चैनल को लाइक करना। आज ही ओपन किए मैंने, देखा अंकल ने दिखा, एक सब्सक्राइबर है उसमें, वो डेफिनेटली इनके पापा हो गए। मुझे पता था क्योंकि मेरे भी पहले सब्सक्राइबर मेरे हस्बैंड थे, दूसरे मेरे मम्मी पापा, उसके बाद मेरे मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे दो देवर, उसके बाद मेरा भाई, इतने थे मेरे पहले सब्सक्राइबर। मेरा भाई है, मेरे पहले मेरे पापा की मम्मी तो यूज भी नहीं करती है। और कुछ बोलो सोनाली, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। ये बहुत दूर से आने वाली थी मेरे भाई की यहाँ पे, बट यहाँ पे पास में आ गई है वो अभी मिलने के लिए। बताओ, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है सच्ची कथा। कसम का बोलते, आधा घंटा एक घंटा हो गया हम लोग इतने बातें कर रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहा। हाँ, आधा घंटे कुछ कुछ अलग लग रहा है ना, अलग दिख रही हूँ मैं? नहीं, ऐसे नॉर्मल दिख रहा, अच्छी दिख रहा। आप हमेशा बोलते हो दाग है, मुझे कुछ दाग नहीं नजर आ रही है, बहुत सुंदर हो। नहीं सुंदर नहीं, थोड़ा सा क्या कैमरा पे अभी पे थोड़ा अलग नहीं लग रहा है कुछ भी? देखा, बहुत सुंदर लग, थोड़ा अलग लगता है ना, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने बोलता है, मैंने सुना है। इधर हम भी दिखेंगे कैमरा में, जल्दी आओ, जाओ। असो असो मम्मा पापा, असो मम्मा पापा, बस कम से ड्रेस टाइट करियो रे चिकुडू। मैं उनको पूछ रही थी सबसे पहले, आपको कैमरा में लोगों कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तो बोलते नहीं नहीं प्रॉब्लम है, तो और कुछ भी ना कुछ कुछ बोल दे सोनाली, और कुछ कुछ बोलो। क्या मैं बोल, देख मैं उनके बर्थडे पार्टी में आई हूँ, ये सब दिखाते हैं हम लोग। ये तो हम लोग ये खा रहे हैं। पार्टी शुरू भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ पर मेरी पार्टी चालू हो गई है। शुरू नहीं हुआ है अभी बर्थडे पार्टी। हम लोग चकली खा रहे हैं और एक प्लम केक है जो बहुत टेस्टी लगा मेरे को, अब एक साथ इसको भी खत्म करके जाऊंगी। ये ITC में जॉब करती है, फूड डिपार्टमेंट में, तो माही के लिए इतना सारा लेके आई। पर किसी को कुछ चॉकलेट बिस्किट चाहिए तो मुझे बोलना, मैं तुरंत भेजती हूँ पार्सल करके। कौन है बेटा? से चॉकलेट दीदी। अच्छा चॉकलेट दो, किलो दे दो, दे दो, दे दो ना, वो आपको देगी, दे दो, चलो दीदी को दे दो, चलो इधर। मेरे पे एक हक करी तो ही मिलूं, दे दो वो बेटा, हक करके दे दो दीदी को। मैं कुछ नहीं करूंगी माही, गुड गर्ल, गो। गिव किस बेटा, नो मेकअप क्रिएशन। हाँ मैं बड़ा ना ये जा रही है सोनाली, बहुत अच्छा लगा। एक घंटे हम लोग बहुत अच्छे से कपड़े मारे, अंकल भी जा रहे हैं। अंकल बाय कर दीजिए। मेरे पापा को तो बहुत मजे है सब ब्लॉग में आना, मस्ती करना। अंकल देखते हैं, अंकल कभी कभी। हाँ पापा मेरे साथ ही देखते हैं ना, आप बोलोगे ना बाय गाइस गुड नाइट, वो ऐसे करके पीछे देखो तो लगता है कोई लाइव कर रहा है। बाय उनको। मेरे पापा हर एक चीज को अपडेट है, तो मेरे पापा मम्मी, मेरे मम्मी साड़ी का लो कुछ नहीं पहनेगी, पर इफ आप ऐसे साड़ी पहनो, अरे मोना तो क्यों साड़ी पहनी, वो ऐसा मैक्सी ड्रेस पहनने का ऐसा। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, ये लोग इतने गौर से देखते हैं, लड्डू वड्डू सब बना के खाते हैं। मेरे पास मोमोज ही बनाई, देखो मैं आज फोटो शेयर करूंगी। हाँ लड्डू का फोटो इन्होंने शेयर किया था मुझे, मैंने देखा नहीं था, तो अभी जा रहे हैं ये लोग। मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा लगा सुनाने में, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, अभी तो हंसी नहीं बंद हो रही है मेरी। चलो मैं बात करती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे सोनाली चली गई थी एंड अभी हम लोग नीचे जाने वाले थे। एक्चुअली बर्थडे नहीं था, वेलकम पार्टी था, सब मतलब बेबी होने के बाद उसके वेलकम के लिए एंड हाउस वार्मिंग पार्टी था ये मेनली। तो सब लोगों ने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का स्टिकर लगा दिया था, तो उसको भी लगा कि बर्थडे है आज। ये जो है ये मेरी कज़न सिस्टर है, उनकी बेटी है। मैं आपको किसी से बात प्रॉपरली नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन कैमरा के थ्रू सबसे मिलाऊँगी, क्योंकि शोर एक तो बहुत ज़्यादा था, गाना एक तो वहाँ पर मतलब आवाज़ इतना आ रहा था ना कि कॉपीराइट आ सकता था ऐसा कुछ। इसी के लिए मैंने किसी का वॉइस नहीं लिया था, क्योंकि वॉइस अगर बात करवाती भी तो भी आपको समझ में नहीं आता इतने नॉइज़ में। तो यहाँ पे देखिए, ये एक साल बड़ी है माही से, वो बोल रही थी कि चल मैं तेरे को रेडी कर देती हूँ आज, एंड वो उसको रेडी कर रही थी, खुद रेडी हो गई, फिर बोलती है देखो बड़ी मम्मा मैंने ना इसको रेडी कर दिया है। तो माही भी बहुत खुश हो गई थी इसके साथ मिलकर। पहले जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, इतना इतना ज़्यादा ये रोई थी वहाँ पे, आधा घंटे तक रो रही थी, एंड अभी देखो इसका खेलना। सोनाली बोल रही थी माही ना कैमरा पे थोड़ा सा अलग दिखती है, एंड वो जब आई थी देखी तो बोली ये थोड़ी सी पतली दिख रही थी अभी, तो मैं बोली हाँ वो इतनी
इतना रोई थी ना एंड ट्रैवल भी हो गया था उसका, तो इसी के लिए उसका चेहरा थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो गया था। तो ये हो गया, फिर मैं आपसे चलिए मिलाती हूँ एकदम से पार्टी हॉल में जाके। तो ये है यहाँ पे बर्थडे का डेकोरेशन किया गया था, बर्थडे तो नहीं था वेलकम के लिए, उन्होंने गलती से हैप्पी बर्थडे लिख दिया था, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था कार्ड में वेलकम। एंड ये है मेरी भाभी बेटे को पकड़ के बैठी है, मैं बोल रही थी पूछ रही थी कि भाभी मैं ले लूँ फोटो लूँ सबको दिखाने के लिए, तो बोलती हाँ ले लो कोई बात नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बेबी को हमारे घर के बेटे को, एंड बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स देना इसको, एंड मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी, तो एक बार ज़रूर उसको ब्लेसिंग्स कर देना, ब्लेसिंग दे देना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लेट एक्चुअली हो गया था, हमने उनको भी बोला हुआ था सोनाली एंड अंकल को कि रुक जाइए, तो फिर वो बोले नहीं नहीं लेट हो रहा है हम लोग भी जा रहे हैं। एंड ये रही मैं एक्चुअली कैमरा पकड़ी हुई थी, तो आप मेरा क्लिप इसमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा, फोटोज़ में हूँ मैं लेकिन क्लिपिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे खुद को लेने में। ये है मेरे भैया, भाभी, मेरी बहन है मतलब बड़ी माँ की बेटी, एंड जो रेड शर्ट में है वो है मेरे जीजू, एंड यहाँ पे सारे रिलेटिव्स जो भी मुझे फ़ोटो में दिख रहे थे मतलब वीडियो में दिख रहे थे मैं सबसे आपको मिला दिया है। एंड ये मैं हम लोग कर रहे थे डिनर, एंड आई एम रियली सॉरी मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स थे लेकिन वो सारे क्लिप्स डिलीट हो गए गलती से, मेरे घर आने के बाद घर से निकलने से पहले का क्लिप था एंड बर्थडे का कुछ और जिन लोगों से मैंने आपसे बात करवाया था, बहुत सारे क्लिप्स मेरे डिलीट हो गए फ़ोन से, पता नहीं कैसे क्या हो गया। मैं उस दिन इतनी ज़्यादा मेरा मूड ऑफ था, मैं ये वाला व्लॉग भी पोस्ट करना नहीं चाहती थी इतना छोटा सा, लेकिन जितने मेरे पास क्लिप्स थे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर कर दिया है। आई होप आप लोग थोड़ा सा समझोगे इस बात को कि इतना छोटा सा इसी के लिए। एंड यहाँ पे ना इसके बाद मैंने इससे बात भी करवाया था, एंड ये वाला क्लिप भी मेरा मिस हो गया, घर आने के बाद भी मैंने बात करवाया हुआ था, वो वाला क्लिप भी मेरा मिस हो गया, पता नहीं क्या हो गया फ़ोन को। तो यही है मेरी कज़न, मैंने जिसको बोला था कि आपसे मिलाऊंगी एंड वो हंस रही थी, उसको लग रहा था मैं फ़ोटो उठा रही हूँ, मैं बोले नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद ही उसने बात करना स्टार्ट किया, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा बहुत ज़्यादा क्लिप मिस हो गए थे इसमें। एंड उन्होंने बोला कि वो जो मामासी के साथ जो मोमोज नहीं बनाए थे हम लोगों ने, मोमोज उन्होंने वो भी ट्राई किया घर पे, वो भी बहुत टेस्टी बना था, बोल रही थी कि उनके पापा भी बोले कि हाँ मैंने मोमोज खाया मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार बनाया था घर पे। एंड उन्होंने क्या वो लड्डू बनाया था जो मैंने कौन सा था वो वाला डेट्स का मैंने जो लड्डू बनाया था वो वाला भी उन्होंने बनाया, एंड उनके पापा अंकल जो थे ना वो बोल रहे थे कि वो ऑफिस लेके गए थे तो सब लोग ना दो दो खाए थे, मुझे इतना अच्छा लगा, बोल रहे थे कि बेटा बहुत अच्छा बना था। वो भी बोल रही थी कि अब जो भी बनाते हो ना मैं देख के घर पे ट्राई करती हूँ। उन्होंने फोटो भी भेजा था मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगी उनके साथ, मैंने फोटो लिया एंड मैंने वीडियो भी थोड़ा सा बनाया है। एक्चुअली बहुत ज्यादा मैं नहीं बना पाई, एक घंटे से ऊपर हम लोगों ने बैठ के बात किया एंड थोड़ी देर बाहर बात किया, फिर वो मेरे बड़ी माँ के घर पे भी आई थी, तो इतने सारे लोग थे कि मैं इतने ज़्यादा देर तक बात भी नहीं कर पाती थी क्योंकि बर्थडे भी शुरू होना था नीचे जाने के लिए। पर जितना भी था सोनाली बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलके, आपसे मिलके, आंटी होती तो और अच्छा लगता। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं आज, कल हम लोग जाएंगे, कल संडे कितने बजे हम लोग का, शाम को हमारा ट्रेन है चेन्नई वापस जाएंगे। मम्मी चलोगी चेन्नई? चेन्नई चलोगी? चेन्नई चलोगी? चेन्नई चेन्नई आऊँगी क्या? जा रही है मम्मी मेरे साथ, देखो मम्मी को भी एक्टिंग आ गया करने के लिए। सोनू तो आसिफ हो चेन्नई? तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा, लाइक करिएगा गाइस, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।